हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 5.2 का 16 नंबर सवाल हम बताने वाले हैं आज के वीडियो में, क्योंकि 15 तक हम बता चुके हैं। तो आज हम 16 नंबर सवाल को समझेंगे। तो देखते हैं सवाल को कि क्या बोला गया है इसमें, कि वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए कहा गया आपको, एपी आपको एपी बनाना है, एपी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद क्या है 16 है। तो पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है वहाँ पे, तीसरा पद 16 है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं a प्लस 2d बराबर 16, ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम। समीकरण क्या हो गया ये फर्स्ट, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम रहने देंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, अब दूसरा क्या बोल रहा है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि प्लस 12। समझ गए हमें आप लोग, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सातवां पद को कैसे हम लिखते हैं, तो a प्लस 6d लिखते हैं। इसको कैसे हम लिखते हैं, तो a प्लस 4d लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस 12, ठीक है। तो a और a कट गया आपका 6d, और ये जो 4d है बराबर उस पार, उसको हम इस पर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 12। यहाँ पे क्या हो गया घट के, 6d में 4d को घटाएंगे तो बचेगा आपका 2d बराबर 12। तो डी बराबर 12, ये 2 बटे में आ जाएगा, कट जाएगा 6 बार में, तो डी कितना आ गया आपका 6, ठीक है। आपका डी क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ है और डी का मान जो है आपका निकल गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में इसको बैठाएंगे, डी का मान यहाँ लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस 2d बराबर 16, और a तो a रहेगा 2, और d का मान जो है आपके पास आ चुका है वो कितना 6 आ चुका है बराबर 16। तो a प्लस 6 × 12 बराबर 16। तो यहाँ पे देखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 16, और ये जो 12 इस पार है प्लस में, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो a बराबर कितना निकल गया आपका 4, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे इसलिए। तो a निकल गया आपका 4 और d निकल गया आपका कितना 6। तो हम ap कैसे बनाते हैं, ap बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा a प्रथम पद है तो a तो हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ap के लिए a हमारा प्रथम पद है, a हम लिख लेंगे। अब हम ap कैसे बनाएंगे, तो जो आपका d आया है वो d हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ते चला जाएंगे, मतलब तो 6 6 जो है जोड़ते चले जाएंगे। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 10। अब 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 22, और डॉट 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 ये आपका एपी बन गया, ठीक है। तो प्रथम पद में हम क्या करते हैं, डी को जोड़ते जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एपी बन जाता है। तो यही आपको पूछ रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए, ये आपका एपी क्या हो गया, आंसर हो गया ये एपी, ठीक है। तो आपका 16 नंबर सवाल क्या हो गया, बन गया। अब सवाल नंबर 17 को देखेंगे, तो देखते हैं सवाल 17 को। तो अब हम सवाल नंबर 17 को देखेंगे, तो जो सवाल हम बताएं 16 नंबर सवाल वो आपका MI था, ठीक है। और ये सवाल जो है, ये सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल भी जो है आपका क्या है, MI है, ठीक है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसमें क्या कहा गया है कि 3, 8, 13 आपका एक एपी दिया हुआ है, और लास्ट में कितना है 353 में क्या बोला गया कि मैं अंतिम पद से, यहाँ से, ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। पहले हम कोई पद ज्ञात करते थे तो आगे से 19वां पद 16वां पद चौथा पद कोई भी आगे से ज्ञात करते थे। अब क्या बोला गया है कि अंतिम पद से, यहाँ से जो है 20वां पद ज्ञात करना है, कि 20वां पद यहाँ से 20वां पद में कौन सा अंक आएगा, इस बार यहाँ से बोला गया है। तो इसके लिए जो है आपका एक अलग से फॉर्मूला होगा, ठीक है, एक अलग से फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद बराबर, पहले हम दर्शा लेंगे, ठीक है, दर्शाएंगे क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम दर्शा लेंगे। तो ए दिया हुआ है कितना आपका 3, डी भी दिया हुआ है कितना, तो 8 में 3 में घटाएंगे हम तो कितना हो गया 5, ए और डी आपका क्या हुआ निकल गया, और ये जो है आपका, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको इस बार हम ए नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, एल, यानी कि अंतिम पद, एल मतलब अंतिम पद।
कितना दिया हुआ है वो 253 दिया हुआ है। और 20वां पद का अर्थ क्या हुआ कि आपको n भी दिया हुआ है कितना 20, ठीक है, n कितना दिया हुआ है आपको कि 20। और अंतिम पद क्या है, लास्ट पद 253, डी आपका 5, ए आपका 3। अब हम अंतिम पद से 20वां पद को ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद बराबर, आपका फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे अंतिम पद से पूछा जाए तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा L-N-1D, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा जहाँ अंतिम पद से पूछा जाए। तो L आपका क्या है 253, माइनस N क्या है आपका तो वो है 20 माइनस 1, और D क्या है आपका तो 5 है। तो यहाँ पे देखेंगे 19 गुना 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये 253। तो इसको पहले हम गुना करते हैं तो 19 पे से कितना होता है आपका, तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है, 95, और यहाँ पे 253। अब हम 253 में 95 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना होगा देख लेते हैं, 253 में 95, तो 13 में 5 गया तो 8, और 14 में 9 गया तो 5, और यहाँ पे बच गया 1, यानी कि 158, यानी कि इसका आपका आंसर हो जाएगा कि अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा, ठीक है, ये आप लिखिएगा। तो यही हो गया 20वां पद क्या होगा, तो ये 20वां पद हो गया। तो यही आपका आंसर था 17 नंबर सवाल का। तो अब हम सवाल नंबर 18 को भी देखेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 18 को देखेंगे, सवाल नंबर 18 भी इजी है, बस ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का जो योग है 24 है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, चौथे यानी कि चौथा पद और आठवां पद, और आठवां पदों का योग यानी कि प्लस कितना है 24 है, ये आपको बोला गया कि चौथे एवं आठवें पदों का योग 24 है, ठीक है। तो पहला आपका ये है, तो इसके पहले सॉल्व कर लेंगे। तो चौथा पद क्या होता है आपका, होता है ए प्लस 3B, और आठवां पद का क्या होगा, ए प्लस 7D बराबर 24। ए कितना हो गया 2A, 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D, और यहाँ पे क्या बचेगा 24। इसमें वो कॉमन भी आ रहा है, कुछ कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5D और यहाँ पे 24। 2 से हम कटा देंगे इसको कितना बार में, 12 बार में, तो ए प्लस 5D बराबर कितना आ गया 12। समीकरण फर्स्ट उसको हम मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम अगेन आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से, तथा छठे एवं दसवें पदों का योग 44। अब क्या बोला, छठे पद यानी कितना और दसवें पद इतना का योग प्लस कितना है 44 है। अब आपको ये बोलना है, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, छठा पद का क्या होगा ए प्लस 5D और दसवां पद का ए प्लस 9D और यहाँ पे 44। ए क्या हो गया 2A, 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D हो जाएगा बराबर 44। इसमें भी वो कॉमन आ रहा है 2, तो कॉमन लेंगे ए प्लस 7D और यहाँ पे 44। ये कट रहा है आपका कितना बार में, 22 बार में, तो ए प्लस 7D बराबर 22, समीकरण सेकंड, ठीक है। आप क्या बन गया आपका, समीकरण फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड है तो उसमें किसी का मान निकालेंगे, चाहे ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, तो इसमें हमारा ए क्या है आपस में बराबर है, सिर्फ कटाने के लिए हम क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, तो ए प्लस 5D बराबर 12 है, और सेकेंड क्या है आपका ए प्लस 7D बराबर 22। माइनस करने पर तो माइनस करना है आपको कटाने के लिए, दोनों में से किसी एक को कटाना था, हम ए को कटा रहे हैं, इसी कारण को ए कटाने के लिए को माइनस चाहिए था, तो हम यहाँ पे माइनस करने पर, तो ये आपका कट गया
यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू डी हो जाएगा, क्योंकि सेवन डी है, यहाँ पे बड़ी करेगा माइनस सेवन माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाईस में बारह को घटाएंगे तो कितना बचेगा दस, अब बड़ी करेगा माइनस यहाँ भी तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, डी बराबर दस टू बटे में कितना बार में पाँच बार में, तो डी कितना आ गया आपका पाँच, ठीक है, डी आपका पाँच आ गया। अब हम निकालेंगे क्या ए, तो ए करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे डी का मान रखेंगे, क्योंकि हम डी निकाल चुके हैं, यदि हम ए निकाले होते तो ए का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या आपका ए प्लस फाइव डी बराबर बारह, तो ए प्लस फाइव डी कितना आया आपका पाँच और यहाँ पे बारह, तो ए प्लस पाँच गुना पाँच कितना हो जाएगा पच्चीस बराबर बारह, तो ए बराबर बारह, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस पच्चीस, तो घटेगा तो कितना बचेगा आपका ए माइनस पच्चीस में बारह घटेगा कितना बचेगा तेरह बचेगा माइनस तेरह, क्योंकि बड़े जाएंगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो आपका एक निकल गया आपका माइनस तेरह निकल गया। तो अब क्या बोला गया है सवाल में, तो इस ए बी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए, प्रथम का अर्थ क्या हुआ कि पहले नंबर से आपका प्रथम तीन पद, यानी कि आपका हो जाएगा ए बी के प्रथम तीन पद, प्रथम तीन पद, प्रथम तो पहला पद क्या आपका माइनस तेरह, दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो आपको हम क्या बताए थे ए बी बनाने के लिए, हम दूसरा पद में क्या करते हैं उसको पहला पद में हम डी को जोड़ देते हैं, तो माइनस तेरह में पाँच को जोड़िएगा कितना होगा देख लेते हैं, माइनस तेरह में पाँच को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो प्लस माइनस माइनस तेरह में पाँच गया तो कितना आठ, बढ़ जाएगा माइनस है तो माइनस, दूसरा पद कितना हो गया आपका माइनस आठ, और तीसरा पद याद करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फिर डी जोड़ेंगे, पहले इसमें डी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें हम डी जोड़ेंगे तो फिर अगला आ जाएगा, इसी तरह से हम उसका पद निकालते जाएंगे, पर यहाँ बोला गया तीन पद तक ही, तो हम तीन पद तक ही निकालेंगे, तो ये आपका दूसरा हो गया, अब इसमें भी हम निकालेंगे माइनस आठ में, फिर इसमें भी हम डी जोड़ेंगे, इसमें डी जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस तीन, तो क्या हो गया माइनस तीन, तो इस तरह से पद क्या हो गया ए पी के प्रथम तीन पद, ये माइनस तेरह माइनस आठ माइनस तीन हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हम ए पी याद कर लेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, सवाल नंबर 18 कंप्लीट हो गया, अब हम सवाल नंबर 19 को देखेंगे, यहाँ तक जो है आपका जितना तक बता चुके हैं यहाँ तक 18 नंबर तक आपका सब क्वेश्चन जो है एमआई था, और अब जो बताने वाले हैं दो क्वेश्चन वो बहुत कम पूछे जाते हैं तो उसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक के सवाल को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो सवाल नंबर 19 हम देखते हैं, अब हम सवाल नंबर 19 को समझेंगे, ये था कहानी टाइप का है, ये आपका डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसको आपको बनाना पड़ेगा एपी, ठीक है, एपी आपका यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन आपको बनाना पड़ेगा खोज के, तो कैसे यहाँ पे देखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे। तो क्या बोला गया है, सुब्बा राव ने, एक आदमी है सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव ने 1995 में, ठीक है, 1995 के वर्ष में, वर्ष के 1995 में जो है 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, 5,000 का मासिक वेतन के आधार पर वो कार्य क्या क्या कोई भी काम को आरंभ करना आरंभ किया, और फिर प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब क्या वो है ना उसका महीना जो उसका कमाई था वो 5,000 था, फिर उसके बाद क्या हुआ प्रत्येक साल में जो है प्रत्येक साल में उसका 200 क्या हुआ 200 रुपया वेतन जो है उसका वृद्धि होने लगा, 5,000 में 200 हर साल उसका वृद्धि होने लगा, और फिर क्या बोल रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, अभी उसका 5,000 है और हर साल जो है उसका 200 रुपया बढ़ रहा है, तो बोल रहा है क्या किस साल किस वर्ष में जो है उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, पूछ रहा है किस वर्ष में, तो यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है इसको एपी बनाएंगे, तो पहला मासिक वेतन क्या है उसका 5,000, अब क्या बोला गया कि 200 प्रत्येक साल वृद्धि की गई, यानी कि 200 को बढ़ाना है सब में, तो 200 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 5,200, फिर 200
फ्रैंक कितना हो जाएगा 5400, ठीक है, और 200 फ्रैंक कितना हो जाएगा 5600, और डॉट 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 कहाँ तक बोला गया है, बोला गया है आपको कहाँ तक, 7000 तक बोला गया है, 7000 तक। तो ये आपका क्या बन गया, एपी बन गया। पहला कमाई इसका इतना था, हर साल इसका इतना इतना बाहर रहा है, और अंतिम वेतन क्या है आपका 7000। तो पूछ रहा है क्या कि कब किस वर्ष उसको मिलेगा, तो यहाँ पे क्या क्या हमको मिल गया, तो हमको ए मिल गया है 5000, डी मिल गया है कितना, तो 5200 में हम 5000 घटा देंगे कितना बचेगा 200, यानी कि डी कितना हो गया आपका 200, और अंतिम पद ए एन कितना दिया है आपको, तो ए एन आपका ये हो जाएगा 7000, ठीक है। आपको पूछ क्या रहा है, एन किस वर्ष में कितने दिन के बाद कितने साल के बाद उसका 7000 पूछ जाएगा, तो ये हो गया आपका एन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन क्या है आपका 7000, ए क्या है आपका 5000, और एन नहीं दिया हुआ है, और डी क्या है आपका 200। तो 7000 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे बच जाएगा एन माइनस वन 200। तो इसको 7000 में 5000 घटाएंगे तो 2000 बचेगा बराबर एन माइनस वन, ये गुना में है, गुना बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो आपका क्या हो गया 0 0 खत्म हो गया। फिर 2 से 10 के उत्तर बार में कट जाएगा, तो 10 बराबर क्या हो गया एन माइनस वन, ये एन एक क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ बच गया एन, तो एन बराबर कितना निकल गया 11, यानी कि अभी वो इतना 1995 में इतना कमा रहा है, उसका 7000 रुपया कब होगा, तो 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में 7000 रुपया वेतन हो जाएगा। यही आपको सवाल में पूछा जा रहा था कि किस वर्ष में 7000 वेतन उसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 11 एन बराबर 11, ठीक है। तो आपका 19 नंबर सवाल था ये आपका, अब इसी तरह सवाल जो है 20 नंबर भी आपका इसी तरह से है, उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 20 नंबर सवाल को हम, उसी तरह हम सवाल नंबर 20 को भी देखेंगे, 20 भी उसी तरह से है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या बोला गया है, रामकाली, अब किसका वध हो रहा है, रामकाली का। तो रामकाली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, ठीक है, 5 रुपए का वो बचत की, और फिर उनका साप्ताहिक बचत जो है 1.75 रुपया बढ़ती गई, ठीक है। इतना पहले उसका बचत था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका हर सप्ताह जो है 1.75 क्या हो गया, बढ़ता चला गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। आप सवाल समझ गए होंगे, यदि आपने 19 नंबर को समझ लिया है तो 20 नंबर आप आराम से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 रुपया क्या है, उसका बचत है, तो 5 रुपया। अब क्या बोला कि हर सप्ताह उसका इतना क्या होता है, बाहर रहता है, तो अभी इसका इतना है और हर सप्ताह उसका इतना बाहर रहता है, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6.75। तो क्या आ जाएगा 6.75, इसमें ही बढ़ता है, मतलब इस सप्ताह में इसका इतना बढ़ा, फिर अगला सप्ताह उसका कितना बढ़ेगा, तो इसमें भी हम जोड़ेंगे इतना, तो क्या हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा, तो क्या हो गया इतना, ठीक है, आपका इतना हो गया। और क्या बोला, बस 3 को ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है आपको, आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, सब में इतना जोड़ते जाना है, आप लेते जाना है, लेकिन ज्यादा कम हमको नहीं है, हमको यहाँ 3-4 का ही काम है, तो 3-4 को ही ले लेंगे जोड़ जोड़ के, ठीक है। और डॉट 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 दे देंगे हम, और लास्ट में कितना बोला है ये कि 20.75 ये बोला गया है, ठीक है। अब क्या बोला, उसकी साप्ताहिक बचत इतना रुपया हो जाती है, वह किस सप्ताह में जो है उसको साप्ताहिक बचत इतना रुपया हो जाएगा, तो यही बात है जो अभी हम पढ़े थे 19 नंबर सवाल में कि किस वर्ष उसका इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, किस सप्ताह में, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना क्या है हमको, एन, तो एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना रुपया हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करने वाला, एन। तो आपका ए यहाँ पे दिया हुआ है 5, ठीक है, और डी दिया हुआ है कितना, इसमें इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 1.75, ठीक है।
इसमें हम इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.75। और आपका ए एन क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20.75। तो आपको निकालना क्या है तो एन वन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन है आपका 20.75, ए है आपका 5 और एन माइनस वन और डी है आपका 1.75। तो 20.75 के प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर एन माइनस वन और 1.75। तो 20 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 15, और यहाँ 0.75 है तो यहाँ भी हम दे देंगे 0.75। ठीक है, घटाने आपको आता होगा पॉइंट वाला, नहीं भी तो 20 में 5 घटाएं 15 हो गया, और 0.75 को यहाँ पे हम लिख दिए, बराबर n माइनस वन। और ये क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा 1.75। इसका एक पॉइंट उड़ जाएगा, इसका एक पॉइंट उड़ जाएगा, दोनों का पॉइंट क्या हो गया आपस में खत्म हो गया। बच गया क्या आपका सिर्फ यहाँ पे 1.75 बराबर एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका साफ साफ ये बच गया। इसको हम कटा लेंगे, पहले हम कटाएंगे इसको 5 से, तो 3 बार 15 दो इधर गया 5, ये कितना कटेगा आपका 3 बार 15 एक बार 5 दो इधर गया 5। अब फिर से कटेगा ये तो 7 बार में, और ये कटेगा 5 से कितना बार में तो 6 बार में 30, एक इधर गया 3 63। अब कितना और कटेगा 7 9 63 दो। ठीक है, हम छोटे से ये कटा दिए हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, हम इसलिए छोटे से कटाएं कि कोई बच्चा समझ लेगा, इसी कारण हम छोटे से कटाएं। ठीक है, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे 9 बराबर कितना n माइनस 1। तो 9 ये माइनस में है 1, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो गया, और यहाँ पे n, तो n बराबर कितना हो गया 9 × 10, यानी कि 10वें सप्ताह क्या होगा, 10वें सप्ताह उसका जो बचत है कितना हो जाएगा 20.75। ये थोड़ा दर्शा के आप लिख लीजिएगा कि 10वें सप्ताह में जो है उसका बचत 20.75 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज जो है आपका 5.2 खत्म हुआ, क्लियर हो गया आपका। जो हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, और आज का वीडियो समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, और थैंक यू। अगले वीडियो हम मिलेंगे, ठीक है, 5.3 के साथ।